दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष जी के नाम में। तो बात करते हैं जो हमारी सीरीज आपके पास चल रही थी 11th क्लास की, आपके पास दो, आपके पास इसकी वीडियो हम डाल चुके हैं, आपके पास दो चैप्टर हम करवा चुके हैं। तो आज आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन का, आपके पास कौन सा चैप्टर होगा, आपके पास मेजरमेंट, आपके पास डायमेंशन वाला चैप्टर आज करवाएंगे। आपके पास यूनिट का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट की यूनिट, आपके पास इसका, आपके पास आज डायमेंशन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन करवाएंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखना, यदि आपको ये पसंद आए तो चैनल आज को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो बात करते हैं, आपके पास सबसे पहले बात आती है, आपके पास डायमेंशन फार्मूला होता क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपके पास इसकी डेफिनेशन भी बताते हैं हम इस चैनल के माध्यम से, न केवल समझाते हैं बल्कि आपके नोट्स भी बनवाते हैं। तो बात करते हैं, आपके पास द एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है विच शो, जो क्या शो करता है आपके पास हाउ एंड विच द बेस क्वांटिटी, जो आपके पास जो बेस की क्वांटिटी होती है उसके ऊपर आपके पास क्या लगती है, आपको पता है पावर लगती है। तो आपके पास रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या कहलाएगा, आपके पास द एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास विच शो, जो आपके पास क्या शो करता हो हाउ एंड विच आपके पास द बेस ऑफ क्वांटिटी रिप्रेजेंट, जो आपके पास किसको, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हो। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला, उसे हम क्या कहेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला कहेंगे। किसी भी आपके पास गिवन कोई आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है उसका, जैसे आपके पास एग्जाम्पल के लिए आप देख लें, फॉर एग्जाम्पल एम की पावर लगती है आपके पास एल की पावर लगती है, फिर आपके पास टी की पावर लगती है, तीनों क्या लगती है आपके पास, जो पावर लगती है आपके पास, देखो ये बेस क्वांटिटी है, ये आपके पास पावर है जो आपके पास, और ये कैसे लिखे जाता है हमेशा ध्यान रखना। अब मैं इसके रूल बताऊंगा आपके पास कैसे लिखा जाता है, आपके पास ध्यान रखना है। पहले आपके पास आपको पता होना चाहिए इसमें आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, फिर आपको क्या पता होना चाहिए, तीन चीजें मैंने आपके पास बताई थी तो देखो एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। आपके पास यूनिट एंड आपके पास इसमें मेजरमेंट में आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला के जो आपके पास चैप्टर है इसमें आपके पास क्या क्या पता होना चाहिए, इसको निकालने के डायमेंशन फॉर्मूला, इसके यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए, कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो दोस्तों सारी चीजों के बारे में डिस्कस होगा आपके, इसमें सारा चीजें बताया जाएगा। तो दोस्तों आप इसे नोट करें, डेफिनेशन को और पोज करें, फिर हम इससे आगे चलते हैं। आपके पास आप डेफिनेशन को नोट करें और इसको पोज करें। तो दोस्तों आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी, पॉज कर ली होगी, अब हम चलते हैं इससे आगे। तो दोस्तों इससे आगे आपके पास आप देखें, तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास डायमेंशन फॉर्मूले हैं उनका हम आपके पास डिस्कस करते हैं। तो बात देखें, आपके पास पहला, आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होता है, आपके पास डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस होता है इसका, जो जो इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं वही लिखे हमने, बाकी आपके पास हम नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसकी आपके पास ट्रिक करेंगे। तो बात आती है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का, m0 l0 t0 आपके पास डायमेंशन लेस, फिर बात आती है आपके पास फोर्स का mLt-2, क्यों, क्योंकि आपके पास F=ma होता है आपके पास, आपके पास मास का m, एक्सेलरेशन का आपके पास LT-2। तो पहले मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए और आपको कन्वर्जन आना चाहिए। फिर आपके पास बात आई इसके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपके पास जी जो होता है, फॉर्मूला आपके पास यहाँ से क्या आता है, एक फॉर्मूला इसका तो फॉर्मूला होता है आपके पास F=g m1 m2 / r² आता है आपके पास यहाँ से,
इसमें ये पूछ रखा है आपको फोर्स का पता है भाई, और ये बाकी आपको पता है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, एम -1 L³ -2 आपके पास आ गया। तो बात करते हैं उससे आगे, आपके पास एनर्जी और वर्क की बात करते हैं, इन दोनों का बराबर होता है आपके पास ML²T-2 होता है इसका। फिर आपके पास बात आती है छोटे जी का, यहाँ पे बड़े जी का, यहाँ पे छोटे जी का, तो आपके पास छोटा जी होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपके पास एक्सलेशन का जो फार्मूला होता है आपके पास वही फार्मूला इसका होगा, तो आपके पास LT-2 होगा आपके पास। फिर बात आती है आपके पास, आपको पता है पावर कैसे लिखे जाते हैं, वर्क अपॉन में टाइम, आप वर्क का निकाल चुके हैं और टाइम आपने नीचे करना है, तो आपके पास कितनी हो जाएगी टाइम की, आपके पास जब वर्क की तो आपके पास सिमिलरिटी है, और टाइम की आपके पास -2 थी आपके पास पहले, और नीचे आपके पास टाइम था भाई, नीचे आपके पास टी था, तो टी आपके पास ऊपर गया तो आपके पास T-3 हो गया, तो आपके पास कितना हो गया ML²T-3 आपके पास आ गया। तो ये तो आपके पास 6 थे, और आप ये इधर और देखें ट्रेन का क्या होता है, इसका भी डायमेंशन लेस होता है आपके पास। फिर बात आती है रेनॉल्ड नंबर का भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। फिर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो आपके पास सी बाई आपके पास वी लिखते हैं, उसका भी आपके पास क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। फिर आपके पास हार्मल कॉन्स्टेंट आता है आपके पास, उसका होता है T-1, ध्यान रखना। फिर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आता है, उसका भी T-1 होता है। फिर आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, T-2 होता है उसका। फिर आपके पास टोर की बात आती है, टोर क्या होता है, R×F। आपको फोर्स का पता होना चाहिए, आपको वेलोसिटी का पता होना चाहिए, आपको एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए, आपको वर्क पावर और आपके पास वर्क का और आपके पास एनर्जी का पता होना चाहिए, चार के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो बात आती है आपके पास प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का क्या होता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जिसे आप क्या लिखते हैं, ऐसे मेजर करते हैं जिसे, जो आपके पास सी बाई म्यू होता है, जो आपके पास उसका आपके पास ML²T-1 होता है। ये वे थे आपके पास जो बार बार आपके पास पूछे जाते हैं, इनको आप नोट कर लें, और आपके पास फिर हम आगे करवाते हैं, नोट कर लें, पॉज करें, फिर हम इससे आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने इनको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा, अब हम चलते हैं इससे आगे, आप स्क्रीन के ऊपर देखें, इससे आगे आपके पास तो दोस्तों अब बात आती है आपके पास टाइप ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज आपके पास कितने टाइप की होती हैं दोस्तों, आपके पास चार टाइप की होती हैं। तो आपके पास पहली बात होती है डायमेंशन कॉन्स्टेंट, तो डायमेंशन कॉन्स्टेंट। सेकेंड आपके पास बात आएगी डायमेंशन वेरिएबल। थर्ड आपके पास बात आती है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, और फोर्थ आपके पास बात आती है डायमेंशन वेरिएबल। सभी की चर्चा करते हैं, सभी को समझाते हैं आपके पास, तो आप देखें अपने नोट्स बनाते हैं साथ साथ। दी आपके पास डायमेंशन कॉन्स्टेंट आपके पास क्या कहलाता है, दीज आर दोज क्वांटिटी, ये है एक ऐसी क्वांटिटी है जो जिसकी क्या होती है, हुज वैल्यू आर कॉन्स्टेंट, जिनकी वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। एंड दे पोपोस आपके पास वो किसको आपके पास सिद्ध करती है, डायमेंशन को सिद्ध करती है आपके पास, उनकी क्वांटिटी क्या होती है आपके पास, क्वांटिटी की वैल्यू वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट होती है, और आपके पास किसको शो करती है, डायमेंशन को शो करती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपके पास जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, और आपके पास एच मतलब है आपके पास है पलंग कॉन्स्टेंट आपके पास। ये तो आपके पास पहली होगी। सेकंड आपके पास डायमेंशन वेरिएबल की बात करते हैं, तो आपके पास क्या है, दीज आर द क्वांटिटीज, ये एक ऐसी क्वांटिटी है हुज वैल्यू आर वेरिएबल, जिनकी वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है। ऊपर वाले केस में कॉन्स्टेंट है, इसमें क्या है, यहाँ पे वेरिएबल आ गए, इसमें क्या था, कॉन्स्टेंट था यहाँ पे। फिर आपके पास एंड दे पोपोज डायमेंशन, उनकी क्वांटिटी क्या होती है, सेम उसी प्रकार है, बट आपके पास कॉन्स्टेंट ही देख के आ गया, आपके पास वेरिएबल आ गए। इस केस में इसका एग्जांपल आपके पास एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स आपके पास किसके, डायमेंशन है वेरिएबल के आपके पास। फिर बात आती है डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट क्या होता है, दीज आर दोज क्वांटिटी हुज आपके पास वैल्यू आर कॉन्स्टेंट, जिनकी वैल्यू क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, बट
दे डू नॉट पॉपोस डायमेंशन, जो आपके पास क्या शो नहीं करें, डायमेंशन को शो नहीं करें, उन्हें क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस है, वो आपके पास कॉन्स्टेंट कहते हैं। जैसे आपके पास पाई आ गया, आपके पास एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ गया, तो फिर बात आती है आपके पास डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होते हैं, दीज आर दोज क्वांटिटी विच हैविंग द वैल्यू आर वेरिएबल, जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। दे डू नॉट हैव डायमेंशन, जो आपके पास डायमेंशन नहीं होते हैं, आपके पास किसके, एंगल के, स्ट्रेन के, स्पेसिफिक ग्रेविटी के, जिनके डायमेंशन नहीं होते, जो आपके पास डायमेंशन लेस कहलाते हैं। तो दोस्तों आपके पास फोर टाइप की क्वांटिटी थी, आप इसे नोट करें, पॉज करें, फिर हमें चलते हैं इससे आगे आपके पास, फिर करेंगे हमें कन्वर्जन के बारे में। तो दोस्तों आपने इनको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा, अब हम चलते हैं इससे आगे आपके पास। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कन्वर्जन की, जो आपके पास पेपर में पूछते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है और आपके पास कौन से पूछते हैं। तो बात करते हैं आपके पास पहले फॉर्मूला की, तो आपके पास N2 इज इक्वल टू N1, फिर आपके पास स्क्वेयर ब्रैकेट लगता है M1 by M2, इसकी पावर आपके पास a, L1 by L2 लेंथ वाली, फिर आपके पास टाइम वाली, इसकी पावर आपके पास c। फिर बात करते हैं आपके पास पेपर में ये मिलता है आपके पास कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन को आपने चेंज करना है किस में, डाइन के अंदर चेंज करके दिखाना है, 3 नंबर में आपके पास आता है। तो देखते हैं हम इसको, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्टली डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास किसका, आपको पता होना चाहिए किसका, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, ML T-2। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, MA होता है, तो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए उसका। तो आपके पास ML1T-2, आपके पास यहाँ से जो सबस्क्रिप्ट में होते हैं वो आपके पास A कहलाता है, तो आपके पास यहाँ से 1A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू आपके पास -2। इससे आगे चलते हैं, आपके पास आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है MKS सिस्टम से CGS सिस्टम है। मैंने आपको MKS और CGS के बारे में बिल्कुल आपके पास पूरा बता दिया था, आप चेक कर लेना वहां से, इसकी जो प्लेलिस्ट में मैं ये भी आज वाले प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहां से चेक कर लेना। फिर आपके पास बात आती है M1 की वैल्यू आपके पास 1 किलोग्राम, L1 की वैल्यू आपके पास 1 मीटर, T1 आपके पास 1 सेकेंड, M2 की वैल्यू आपके पास 1 ग्राम, इसकी वैल्यू आपके पास L2 की 1 सेंटीमीटर, और आपके पास L2 की T2 की वैल्यू आपके पास 1 सेकेंड। आपके पास उसी प्रकार जो N1 आपके पास वो क्या है, 1 न्यूटन, आपके पास N2 की वैल्यू आपने निकाली नंबर ऑफ डायन आपके पास, फिर आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे रखा, फिर आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास किलोग्राम में क्वांटिटी को आपने क्या किया, सेम किया, तो आपने इसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद आपके पास 10 8 पावर 3 × 10 8 पावर 2, दोनों बेस सेम पावर आपके पास एड हो जाती है, तो 10 8 पावर आपके पास 5 डायन के अंदर आ गया। दोस्तों आप इसे नोट करें, फिर पॉज करें, फिर हम एनर्जी वाला और करवाते हैं आपके पास, वो भी पूछा जाता है, आपके पास 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्क के बराबर आता है, आपके पास वो भी हम करवाते हैं, वो आप नोट करें पहले ये वाला, फिर हम ऐसे आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा, अब हम करवाते हैं इससे आगे एनर्जी वाला, वो देखें आप। तो दोस्तों आप एनर्जी वाला और देखें, आपके पास सेम एज इट इज फॉर्मूला वही, आपके पास कन्वर्ट आपको 1 जूल को आपके बार करना है, आपके पास अर्क में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास जूल आपके पास किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है आपके पास, तो आपके पास ये दोनों आपके पास एनर्जी की यूनिट होती है, आपके पास एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला पता है, आप लिखें ML² T-2, यहाँ सबस्क्रिप्ट में आपके पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -2। फिर आपके पास बात आएंगे कन्वर्ट MKS सिस्टम इंटू CGS सिस्टम में आपने बदलना है, आपके पास सेम एज इट इज M1 की वैल्यू 1 किलोग्राम, M2 की वैल्यू 1 ग्राम,
L1 की वैल्यू 1 मीटर, L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, T1 की वैल्यू 1 सेकेंड, T2 की वैल्यू 1 सेकेंड आपके पास, N1 की वैल्यू 1 जूल, N2 आपने निकालना है। फॉर्मूला रखा, सारी वैल्यू पुट की, ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, ग्राम में 10^3 कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, मीटर को सेंटीमीटर चेंज कर दिया, क्या बच के आया, 10^3 बच के आया। यहाँ से क्या बच के आया, 10^4 बच के आया आपके पास। बेस सेम पावर को हमने मिला दिया आपके पास, 10^7 अर्ग, तो आपके पास 1 जूल किसके बराबर आ गया, 10^7 अर्ग के बराबर आ गया। तो दोस्तों आप इसे नोट करें, पॉज करें, फिर हम इसके लिमिटेशन के बारे में बताएंगे आपको, वो देख के आओ। तो दोस्तों इससे आगे चलते हैं, आपके पास क्या कहलाता है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जो आपने डायमेंशन देखे थे उसकी क्या लिमिटेशन होती है, आपको पता है कोई चीज की अच्छाई होती है तो उसकी बुराई भी होती है। तो बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की, इसकी कमियां के, डिसएडवांटेज की। आपके पास डिसएडवांटेज भी कह देते हैं इसको, लिमिटेशन भी कह देते हैं, ड्रॉबैक भी कहते हैं। तो तीनों नाम आपके पास बात बराबर आपकी। तो पहला आपके पास बात क्या कहता है, दिस मेथड गिव्स, जो आपके पास ये मेथड है आपके पास नो इन्फॉर्मेशन अबाउट, किस इन्फॉर्मेशन को नहीं बताता, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट जो होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं बताता आपके पास। जैसे एग्जांपल के लिए 1, 2, 3 और पाई के फॉर्म में आपने देखा था, चार टाइप आई थी इसकी क्वांटिटी की, वो आपके पास डायमेंशन कॉन्स्टेंट की, जो आपके पास इनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताता। और सेकेंड पॉइंट आपके पास, इफ द क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है आपके पास डिपेंड ऑन मोर नंबर, आपके पास मोर देन 3 फैक्टर, ये आपके पास क्वांटिटी किससे ज्यादा, आपके पास मोर देन 3 फैक्टर मतलब 3 से ज्यादा आपके पास, हैविंग डायमेंशन फॉर्मूला कैन नॉट बी डेराइव, मतलब 3 क्वांटिटी ज्यादा आपके पास आ गए तो उसका हम डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। फिर बात आती है आपके पास, वी कैन नॉट डेराइव, हम नहीं निकाल सकते किसका, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी हम डायमेंशन फार्मूला नहीं निकाल सकते, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी नहीं निकाल सकते, लॉगरिथम आपके पास फंक्शन का भी नहीं निकाल सकते आपके पास, विच हैव नो डायमेंशन, इनका कोई डायमेंशन होता नहीं, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है आपके पास। फिर बात आती है, इट गेव द इंफॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी, जो आपके पास ये इंफॉर्मेशन होती है फिजिकल क्वांटिटी की, ये आपके पास इट इज अ स्केलर और वेक्टर, मतलब अदिश राशि और आपके पास सदिश होती है, अदिश और आपके पास सदिश बात आती है, किसमें आपके पास गिव द नो इन्फॉर्मेशन, मतलब किस इन्फॉर्मेशन को नहीं बताता आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन को नहीं बताता, कब है, जब आपके पास है सदिश और अदिश दे रखी हो तब आपके पास वो क्वांटिटी को बिल्कुल शो नहीं करता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके पास था डायमेंशन फॉर्मूले, हमने देखे उसके, आपने पूरी यूनिट देखी, आपके पास फुल कॉन्सेप्ट देखी इसके विद नोट्स के साथ। तो दोस्तों एनी क्वारी, एनी डाउट, तो प्लीज कमेंट बॉक्स राइट कमेंट। तो बात आती है आपके पास, इसमें ये थे आपके पास लिमिटेशन की। अब मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ मैंने क्या क्या बताया आपके पास, वही बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको। तो आपने आज हमारी पार्ट था इस चैप्टर का पार्ट नंबर थर्ड, तो ये आपके पास आज ये डल जाएगा आपका, तो आपके पास ये भी प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में डल जाएगा, आप टेंशन न ले, अपनी रेगुलर वे से तैयारी करते रहे। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में स्टार्ट किया था, आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है, फिर आपने देखे कुछ डायमेंशन फॉर्मूले देखे, मैंने बताया 14 के आसपास बताए थे मैंने, 14 के आसपास दो इम्पोर्टेंट आपके पास वो मैंने बताए थे, फिर आपने मैंने क्या बताया, चार चीजें बताई, चार चीजों को ध्यान रखना, फोर डायमेंशन फॉर्मूला ध्यान रखना, किस किस का, फोर्स का, एनर्जी का, जिसमें आता है वर्क का, फिर आपके पास वेलोसिटी का, फिर आपके पास एक्सलेशन का, और फिर हम चलते हैं आपके पास, फिर हमने इसके कन्वर्जन बताए थे, फिर
कन्वर्जन आपके पास दोनों जो बताए थे मैंने, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाई निकाल के बताया था, तो आपके पास ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 R के बराबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के लिए आपके पास फॉर्मूला बताया था, N2 इज इक्वल टू N1, आपके पास M1 बाई M2, फिर आपके पास L1 बाई L2, फिर आपके पास T1 बाई T2, इनकी पावर आपके पास ABC। ये जो फार्मूला था आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पास यहाँ से आया था। सबसे पहले हमने फोर्स का आपके पास ये पता होना चाहिए, इनके माध्यम से हम ये करेंगे। फिर आपके पास क्या आया था, आपके पास इसकी फोर क्वांटिटीज की बात की थी हमने, फोर क्वांटिटीज की बात की थी। फोर क्वांटिटीज के बात करने के बाद आपने किसके बारे में देखा, इसकी लिमिटेशन के बारे में देखा, लिमिटेशन ऑफ इसकी डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन के बारे में देखा। तो दोस्तों इस यूनिटी में आपके पास यही था, तो आप इसे नोट्स बना लें, इसके पहले वीडियो देखिए, फिर आप इसको नोट्स बनाएं, आपको काम आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा मात्रा में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।